दोस्तों बाइक वाले ऐसे करके जा रहे हैं, इसका क्या करूं मैं। जहां तक का मुझे उम्मीद है ना, अगर अगर सरकार रोड बनाने का सारा कारोबार ये बीबीआरओ को दे दे तो ये एक दिन ये स्वर्ग लोग तक का ये सीढ़ी बना दे। ये कहते ना। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विकास पंत स्वागत करता हूँ अपनी न्यू वीडियो पर। दोस्तों सुबह के बजने वाले हैं 5:30 और मैं चल पड़ा हूँ खारदुंगला पास करने के लिए। सर तो कह रहे थे कि तन्मय सर कह रहे थे कि तो आप जाना, अगर जाओगे तो 3 बजे के आसपास, 4 बजे के आस पास। नहीं सर, वो ज़्यादा जल्दी हो जाता, तब मैंने वो टाइम नहीं ठीक नहीं समझा, तो भी अभी मैं चल पड़ा हूँ। दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है और आज बादल बिल्कुल साफ है। वाली कारगिल की ओर को थोड़े काले बादल है, बट मुझे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने जाना यहाँ की ओर। और इतना मौसम साफ रहेगा मेरे लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अगर वेदर ख़राब हुआ तो उससे क्या है कि स्नोफॉल होगा, स्नोफॉल से क्या है कि ऑक्सीजन भी कम मिलेगा। तो दोस्तों अभी थोड़ा बहुत डाउन हिल है, उसके बाद सीधे 30 किलोमीटर्स का एलिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं ले की छोटी सी मार्केट के अंदर से आर पार हो रहा हूँ, आप भी देखिए। दोस्तों कल मेरे सामने पर अपनी साइकिल दिख रही थी और मैं जाना ऊपर को। दोस्तों ये आपके सामने पूरा लेह सिटी, काफ़ी खूबसूरत है यार। हमें वो टॉप में जाना है, फिर उसे घूमते 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 खारदुंगला पास के लिए, ये रहा रास्ता। दोस्तों सामने वाली पहाड़ी पर आ चुकी है धूप, और अभी यहाँ को आने में टाइम लगेगा शायद। दोस्तों ये छोटी सी डाउन हिल को देख के खुश मत होइए, क्योंकि ये तो तूफान के आने से पहले की शांति है। हे प्रभु। दोस्तों ये आपके सामने गुंफा और इसकी हाइट है 13,000 फीट है, और यहाँ से पूरा लेह व्यू पॉइंट है। ओके, और सामने बहुत जी की मूर्ति है शायद, मैं इतना जानता नहीं हूँ। और ये रहा रास्ता आपका। दोस्तों इस सुंदर सी जगह को देख के ये फील हो रहा है, पहले हमारी धरती ऐसी हुआ करती थी लेकिन अब ऐसी हो चुकी है, बिल्कुल बंजर। और जो थोड़ा बहुत पार्ट जो बचा है धरती का वही ऐसा है, वरना आधी ज़्यादा धरती हमारी पूरी आप देख सकते हैं। आज की मार हो रहा है, कल से तो हाँ उतरूँगा, ऐसे थोड़ी हंसी आ रही है, अंदर से खुशी आ रही है, गला भरा था अभी मेरा। मतलब सबसे ऊंचा पास जो मैंने पार करना है कल के बाद, भाई 13,000 फीट, 13,000 फीट वो पीछे था। हाँ भाई हो जाएगा, चलो ये तो हो जाए, चलें। खारदुंगला आपका यहाँ से रह गया है 29 किलोमीटर्स, और मैंने आपका 10 किलोमीटर्स कंप्लीट कर दिया है 1.5 घंटे में, स्पीड सही है काफ़ी। विदाउट गियर साइकिल अगर आप 1.5 घंटे में 10 किलोमीटर्स कर रहे हैं पहाड़ का, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात है और अगले उन्होंने। और सामने रोड है ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे जाना, फिर वो सामने जाना टुक्के में, फिर पता नहीं आगे पता नहीं कहाँ है अभी। कभी कभी दोस्तों मेरे मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि ये रोड बनाने वाले के मन में ऐसा क्या आया होगा जो इसने इतनी घुमा फिरा के ऐसी रोड बनाई। दोस्तों कसम से सांप तो ऐसे ही हंगामे की वो लहरा कर चलता है, उससे ज़्यादा तो रोड लहरा रही है। दोस्तों टाइम हो चुका आपका 7:30 के आसपास, और सुबह यार चार रोटियाँ खाई थी, अभी भूख फिर से स्टार्ट हो गई है। सामने जाना है, पता नहीं वो टॉप में है, पता नहीं कहाँ है, समझ में नहीं आ रही मुझे। घूमते यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आ गया हूँ, अब वो सामने वाला टॉप है, फिर वैसे अंदर को जाना है, पता नहीं यार कहाँ ले जाता आज ये। मेरे को हॉस्टल में एक भैया मिले थे ना, वो थे बैंगलोर से थे, तो कह रहे थे मैंने 2021 में खारदुंगला पास गया, कह रहे जो इसका साउथ पोलू है जहाँ पे पुलिस की चेक पोस्ट, जहाँ पे हमारा परमिट चेक होता है ये पास इसका, तो कह रहे वहाँ के बाद ऐसी चढ़ाई है कि जितना टाइम आपको ले से वहाँ तक आने में लगा है आपको, उतना ही टाइम आपको वहाँ से ऊपर पहुँचने में लगेगा, और किलोमीटर्स कम है। अगर ऐसा है
तो ये क्या साली चढ़ाई नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रही है, हैं वो आगे की चढ़ाई कैसे होगी यार, गाड़ियाँ कैसे जाती होंगी उसमें, देख के बताते हैं आपको। बाकी तो सब चीज़ बढ़िया हो रहा है। अभी एक भैया मिले थे मुझे हम्मू से, क्या नाम था उनका, कह रहे थे मैं साइकिलिंग के ऊपर एक वो कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ और मैं PhD कर रहा हूँ, तो मैं उनसे कह रहे थे मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूँगा, मेरा फ़ोन नंबर ले लेके गए हैं वो, अब देखते हैं और क्या बातचीत होती है उनसे, है ना। चलते हैं दोस्तों ऊपर, भूख लग गई यार, थोड़ा कुछ खाते हैं, ये ब्रेड में जरा वो लगा के लाऊँ, फौजी भाई ने कुछ दिया था मुझे जैम टाइप का था वो, क्या कहते हैं उसे, नाम भी नहीं पता ना, कभी खाया नहीं हुआ वो उसका जैम था, जैम था वो शादी में नहीं आता है टोकरी में, क्या कहते हैं उसे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो वो दिया था। तो इसमें दो है रोटी, बाकी है जैम, खाते हैं फिर चलते हैं, जब जान आएगी तो साइकिल चलेगी, क्योंकि यह है टॉप, फिर इसके बाद फिर से टॉप। दोस्तों फाइनली खाना पीना सब हो चुका है, बैठते 5 मिनट चलते हैं यार आगे। दोस्तों यह है पूरी लेह सिटी का व्यू और यहाँ पे व्यू पॉइंट ही है लेह सिटी का। दोस्तों ये उन लोगों का शहीद स्मारक है जो इस रोड को बनाते हुए यहीं पर शहीद हो गए, है ना। इनमें एक तो है आपके कविंद्र सिंह और भुपेंद्रा बिफिहार सियाचिन, सियाचिन मतलब क्या है सियाचिन, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो रोड बन रही है ना उसका वो है प्रोजेक्ट सियाचिन है शायद मेरे ख्याल से, और यह है लेट है सोनम। दोस्तों सामने आपके ले सिटी और ले सिटी के जस्ट सामने ये पास वाला पहाड़, और ये 40 किलोमीटर तो घूम रखा है ना, सांप बना दिया उन्होंने माँ के, तो फिर ऊपर जाना है, ऊपर ही ऊपर चलना है। इससे एक चीज़ सीखने को मिलती है, परिश्रम जितना कठिन होगा सफलता भी उतनी अच्छी मिलेगी, 40 किलोमीटर की चढ़ाई वहाँ पर जाके तो बड़ा आनंद मिलता है माँ के साथ फिर तो। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ साउथ कुल्लू और यहाँ पे जरा परमिट चेक हो रहा है और वो सब चेक हो चुका है, कह रहे हैं जाओ तो चलते हैं यार ऊपर की तरफ। ये सामने है दोस्तों, खाड़ दूंगा, पहुँच जाऊँगा आज आराम से जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं साउथ कुल्लू और अभी चाय वाय पी है, अभी 15 किलोमीटर और है, 14 किलोमीटर और है, खाड़ दूंगा, सामने है दे दिख रहा है यहाँ से, लेकिन ये क्या बताएं आपको, चलते हैं यार बहुत देर होगी, 20 मिनट हो गए बैठे बैठे, चलते हैं आगे को। दोस्तों एक बार बताओ ना, ये लेह लद्दाख और जितने भी इसके पासिस है इस टूर से ना, एक चीज़ तो है मैं मानसिक बहुत ही स्ट्रांग हो चुका हूँ यार, जैसे आदमी होता है ना हार मान जाता है यार, बहुत है नहीं हो पाएगा, शरीर मतलब पूरा जवाब दे चुका है शरीर, फिर भी करना वाली बात है ना। आप लोगों ने इतना भरोसा दिखाया है मेरे पे, यहाँ भेजा है मुझे, और आपका भरोसा तोड़ूंगा तो मुझे खुद अच्छा लगेगा, मेरी आत्मा खुद नहीं घबराई देगी कि तू छोड़ दे, है ना। दोस्तों कभी भी ना हार मत मानिए ज़िंदगी में, होता क्या है ना, क्या पता एक स्टेप आगे आपके मंजिलों, जैसे ना ये एक चीज़ और है, ये पहाड़ बहुत चीज़ सिखाते हैं, जैसे ये चढ़ाई है ना, ये सिखाती है कि जैसे आप सक्सेस हो तो मतलब अपने आप में कभी ऐसा अहंकार बताना है ना कि जो हूँ मैं हूँ, क्योंकि ये जो पास है, ये जो चढ़ाई है, इसका भी घमंड टूटेगा और ऊपर जाके फिर से डाउन मिलेगा, ठीक है ना। जैसे हम ऊपर जाएंगे है ना, हमें घमंड हो गया वहाँ पहुँच गए, फिर आखिरी में वही अपनी औकात में आ जाना है नीचे, है ना। तो इस चीज़ पर हमेशा ध्यान दीजिए कि कभी भी सफलता को अपने सर पर हावी मत होने दीजिए, है ना। हम तो हावी कहाँ, हमारे फेफड़े हावी हो गए हम पे, ये फेफड़ा यहाँ पहुँच जा रहा है, यहाँ
सांस ऊपर की नीचे की नीचे। हे प्रभु महादेव कृपा करो प्रभु। हाँ प्रभु क्या हो गया, क्यों करता हूँ मैं ऐसे काम, लोग घर में बैठे पड़े हैं, मैं भयंकर साइकिल चला रहा हूँ। कोई बात नहीं, डर के आगे ही जीता है। एक अंकल जी कह रहे थे मुझसे, मैंने कहा तुम सही करो, एक बार तुम साइकिल में आओ मैं कार में आता हूँ, फिर मैं उठूँगा आपसे कि डर के आगे जीता हार है। आप सोच रहे होगे ना मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। आत्मा जानती है एक्टिंग मेरी क्या हो रही है। और वो इतना ऊंचा सोच मैंने ले, यहाँ से साफ भी दिख रहा है कि कब है, लेकिन बस वही पहाड़ों में चला 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 चला, चला। इंद्रदेव के पास जाऊंगा अभी स्वर्गलोक में, उनसे जरा भीड़ भाड़ करके आता हूँ है ना। इतों पर इंसान तो मिलेंगे नहीं, भगवान ही मिलेंगे मुझे। जहाँ तक का मुझे उम्मीद है ना, अगर अगर सरकार रोड बनाने का सारा कारोबार ये बीबीआरओ को दे दे, तो ये एक दिन ये स्वर्ग लोग तक का ये सीढ़ी बना देंगे, कहते हैं ना स्वर्ग सीढ़ी, ये ऐसे ही बना देंगे स्वर्ग सीढ़ी। इन पर मुझे पूरा भरोसा हो गया है, इन्होंने ऐसे रास्ते बनाए भाई साहब इतने ऊँचे, यार मानना पड़ेगा इतनी ऊँचाई पर यार कैसे काम करते हैं यार ये लोग। हो कब डाउन मिलेगा दोस्तों, देन सामने जाना है, पहले ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, देन सामने। दोस्तों बाइक वाले ऐसे करके जा रहे हैं, इसका क्या करूँ मैं है। मानने तो मैंने पैडी ली है, मानता हूँ कि मेरा उत्साह बढ़ा रहे हो, पर ये चढ़ाइयाँ मेरा उत्साह तोड़ रही हैं। दोस्तों भूख लगी फिर से, दिखाऊँ आपको कहाँ पे जाना है। ये सामने ना को ना घूम के ये सामने ये दोस्तों, ये आपके सामने ले, और ये आपके सामने घूमने का पास दोस्तों, सामने है पास, और ये थोड़ा सी बचा है सब दोस्तों। पानी और चॉकलेट मिली है, वो जा रहा है साइकिलिस्ट, ये है आपका यूएसए से, और सामने आपके आने वाला पास। मेरी तो बहुत ही बुरी कंडीशन है, आपने आपने मिल्खा सिंह दे देखी है ना, कैसा हो जाता बेचारा, हार जाता टूट जाता फिर भी भागता है, वही मेरे साथ भी हो रहा है आज फील कर रहा हूँ वो चीज़। दोस्तों अब देखो आप, वो सामने ले सिटियाँ, और ये सामने पास आ गया, घुमा 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 घुमा, ये देखो कहाँ से कहाँ लाया है, बाप रे कितना सहन करना पड़ता है यार भाई गॉड। दोस्तों यार आगे आगे क्या क्या पता नहीं कहाँ आगे ले आया है यार ये, तो ये देखो ये रास्ता, हे प्रभु। दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूँ दुनिया के सेकंड हाईएस्ट पास पे, और इतनी बुरी कंडीशन ना मेरी आपको क्या बताऊँ, बहुत बुरी हालत है। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पास खारदुंगला, इसकी ऊंचाई है 17,982 फीट, और कुछ ऐसा व्यू आएगा। हाँ जी 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 बिल्कुल। दोस्तों फाइनली पहुंच दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पास, इसका नाम है खारदुंगला, इसने हाल फ्रैक कर दिया आज, क्या बताऊँ आपको। और ये तो दोस्तों फाइनली हो गया कंप्लीट, जानो जाना गया। दोस्तों ये बैठे हैं हमारे महादेव, महादेव तो हमारे हर जगह विराजमान है। दोस्तों सोचने वाली बात है, पास इतनी क्या ठहरे यार, कितने ऊँचे ऊँचे ठहरे, हमारे भाई ने कंप्लीट कर ही दिया है, जान आंसू निकल लेते मन में अंदर से दिल से, तो थोड़ा चैन की सांस लिया, तो जान आ गई शरीर में इतनी, क्या बताऊँ आपको, एक बार हो जाता ना जब कंप्लीट तो हो पर। दोस्तों यह है वो वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे खारदुंगला, क्योंकि पास के सामने ही है तो वर्ल्ड हाईएस्ट ही होगा, और यहाँ पे है महादेव का मंदिर, और यहाँ पे शायद इंडियन आर्मी का कैंप है, और आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ पे रुकना अलाउड नहीं है, क्योंकि कभी भी आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और कभी भी मौसम चेंज हो सकता है। दोस्तों दुनिया के सबसे ऊंचे कैफे में चाय भी पी दी, अब शांति मिल गई, आ गया खारदुंगला हो गया। चलिए दोस्तों मैं चल पड़ा हूँ फिर से लेह की तरफ को, और फोटो शूट तो हो गया, फोटो सेशन और वीडियो बना ली मैंने, तो यहाँ पे ज़्यादा देर रहने का कुछ फायदा है नहीं, खाली क्या पता कब मौसम चेंज हो जाए।
चल पड़े हैं ले की तरफ। 8-9 घंटे की मेहनत अब 1 घंटे में मुझे नीचे पहुंचवा देगी, क्योंकि पूरा डाउनहिल मिलने वाला है। देखिए अभी दोस्तों, आपसे फिर से मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा कि आप कभी भी आप ट्रैवल करें तो आपके साथ एक आपका पार्टनर होना जरूरी है, क्योंकि पार्टनर अगर आपके साथ होगा तो आपका उत्साह बढ़ता रहेगा। अकेला आदमी बोर हो जाता है, जैसे मैं हो रहा हूँ। मैं तो जैसे तैसे पहुँचाऊँगा, अपनी आपको क्या बताऊँ, बहुत बुरी हालत थी मेरी दोस्तों। आने में इतनी हालत ख़राब हुई थी ना, जाने में तो ऐसे जा रही है, क्या बताऊँ आपको, क्यों बड़े प्यार से जा रही है। और दोस्तों यह आपका साउथ पोलो, और यहाँ से मुझे यहाँ आने में 11 बजे पहुँच गया था मैं वहाँ पे, और मुझे यहाँ पहुँचने में 3:30 बज चुके हैं आपके, 3:30 या यहाँ पे आपका खाड़ थुंगला पास पहुँचने में 14 किलोमीटर खाली, और पर 14 किलोमीटर आप देख रहे हैं कैसा है, जिक जैक जिक जैक कैसे करके, बहुत बुरा रास्ता है क्या बताऊँ आपको। रोड पूरा ओके है परंतु हालत ख़राब करने वाला रोड है दोस्तों। यहाँ का रोड थोड़ा सा गंदा है ऊपर का, बाकी पूरा रोड अच्छा है। और यहाँ पे देखिए कितना स्नोफॉल कितना हुआ है दोस्तों, आपको हर जगह स्नोफॉल देखने को मिलेगी। और वो देखिए सामने आपके है लेह सिटी, लेह सिटी तो ज़्यादा दूर थोड़ी ना है, हाइट में है साला। दोस्तों आपको ऐसे रोड में वाटरफॉल कई देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इस समय क्या ना धूप बहुत ज़्यादा है, और इस समय पे क्या है कि बर्फ़ पिघलती है तो उसी का पानी ये रोडों में आता है, और ज़्यादातर रोड भी इसी से ही ख़राब होती हैं पासिस की। दोस्तों देखिए ना कितना प्यारा व्यू है यार आगे का। दोस्तों यह है आपकी लेह सिटी, और यह है कुछ रास्ता ऐसे 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 आया या जहाँ पे आया, और जस्ट ये पार करने के बाद आपका पड़ता है खारदुंगला पास। आप खुद है कि अगर खुद देखिए, अगर हिदाई में देखें तो इसकी दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर की भी नहीं है यार, और ऊँचाई में 38 किलोमीटर भाई साहब, खड़ी चढ़ाई है एकदम खड़ी, धुआं निकाल दिया इसने। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी आत्मा भी कह रही थी मैं किसके शरीर में आ गई, मैं मेरा पार्टनर मेरी साइकिल तो पता नहीं मुझसे क्या क्या कह रही होगी। कोई बात नहीं पार्टनर, सुख के दुख के दिन गए अब सुख के दिन आएंगे, कल से डाउन हिल मिलने वाली है कारगिल, कल तो छोटी मोटी चढ़ाइयाँ मिलेंगी वो हम कर लेंगे। ये पता कि ये कैसी, ये मेरे को भी कैसा फील हो रहा है, जैसे बोले जैसे यहाँ तक आना था मिले दुख था, बहुत बड़ा दुख है राम, कैसे हो कैसे हो, अब डाउन है सुख आ गया, मतलब जीवन चेंज हो गया पूरा। चलते हैं चले सीधे। दोस्तों साउथ कुल्लू छूट चुका है पीछे, अब मैंने जाना सीधे लेह की तरफ। और दोस्तों साउथ कुल्लू से मुझे ना आपका खारदुंगला पास करने में 5-6 घंटे लगे होंगे साउथ कुल्लू से, हाँ अभी साला 15 मिनट में नीचे, और आधे 1 घंटे में मैं तुम्हारा लेह पहुँच जाऊँगा, जहाँ मुझे पूरा 9-10 घंटे लगे थे ये सब करने में। दोस्तों ऐसे 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 गए थे, और जो सामने वाला पहाड़ है ना यही आपका खारदुंगला टॉप यही है। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ लेह, और लेह रह गया यहाँ से आपका बस 2 किलोमीटर के आसपास, तो आपको मिलते हैं सीधे आप रूम पर। दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूँ हॉस्टल में, आपको मिलता हूँ। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ रूम पे, मुंह धोता हूँ फिर मिलता हूँ आपको। दोस्तों हाथ मुंह धो के मैं ले आया हूँ चाय और पकौड़े, खाते हैं फिर मिलते हैं आपको। बाई गॉड तारे दिखा दिया उसने खाल मेरा पास ने, बाई गॉड। दोस्तों फाइनली खाना पीना सब हो चुका है, और रात के अभी बज चुके हैं 10:30, तो मैं इस वीडियो करता हूँ यहीं पर, और आपको मिलता हूँ तब तक के लिए गुड नाइट, तब जाना क्या करना पड़ेगा।